हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, शाम का टाइम और अभी हम लोग आए अपने खेत की तरफ। और गाइस, ये देख सकते हैं, अभी हम लोग शाही का सुरंग देख सकते हैं हमारे खेत में, कितना खतरनाक स्याही का सुरंग है। और गाइस, अभी देखिए खेत में, मतलब कुल्फी वाले भैया मिल गए हमको और हम लोग अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं इनसे। अबे साले, देख सकते हैं खेत में भी सब्सक्राइबर मिल गए हमको। और हमारे पास पैसा नहीं था इस टाइम, बट इन्हें हम अपने घर की तरफ बुलाए थे तो ये आने में थोड़ा लेट हो गए। अब पैसा इनको हम बाद में देंगे, आते रहते हैं हमारे एरिए की तरफ। और चलिए पहले आपको स्याही का सुरंग दिखाते हैं जो हमारे खेत में। गाइस, एक इस पेटू को अभी क्यों भाग रहा है। और गाइस, इस छेद के पास से वापस आ गया और ये पक्का मैं कह सकता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ स्याही का ही छेद हो सकता है। बिकॉज अभी मैं एक से दो दिन पहले इस खेत की तरफ आया था, बट यहाँ पे नो होल, एक भी मतलब होल ही नहीं था। और मेरे डॉग्स भी यहाँ पे साथ आए, तो इनको शायद बुलाऊँ तो ये शायद अंदर जा। आ जा शू शू। और गाइस, अभी अपने डॉग को बुलाते हैं और तब तक ये देख सकते हैं बच्चे हमारे खेत में, मतलब अगर गेहूं की कटाई हो जाती है और कंबाइन मतलब मशीन जितना गेहूं नहीं काट पाता है, वो सभी बेचारे बच्चे आ जाते हैं और उठा के लेते जाते हैं। तो फिर बहुत लोग इन्हें मतलब खेत से भगा देते हैं। बट यार, दो तीन मतलब थोड़ा सा कितना हो जाएगा, मान लीजिए 10-5 किलो 15 किलो, उसमें क्या हो जाएगा, कौन कोई राजा बन जाएगा इतना पाने से। तो मैं कभी भी नहीं करता हूँ, मतलब मेरा इतना है, बट मैं आज तक कभी भी किसी भी बच्चे को अपने खेत से नहीं कहा। बहुत लोग कुछ करते भी नहीं है, बट हाँ, जलन के कारण कि कोई और मेरा कैसे वो ले जाए गेहूँ मैंने बोया। तो ये सब गाइस नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। चली गई। ओ भाई, पकड़ ना ले यार उसको, रुक यार, ये अभी पपी ही है बट बेचारा डर गया। आ जा, कोई ना, कुछ नहीं, कोई बोलेगा। आ जा। ओ पुली, कुछ बोलना नहीं इसे, हट जा, कुछ नहीं बोलेगी, हट जाओ, कुछ मत करो। वो कुछ नहीं बोलेगी, बेचारा पहले से ही पपी और डर रहा है। कोई ना, डर मत बेटा, कोई बात नहीं, डर मत। और गाइस, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिकॉज ये लड़ेगी तो नहीं इतना कंफर्म है मुझे, बट हाँ, इनकी फ्रेंडशिप हो जाती, करेगी तो कुछ नहीं है, क्योंकि फीमेल है, ये अटैक नहीं करती है। और पपी भी बेचारा मेल पपी है, इस वजह से मतलब, और अभी ज़्यादा एडल्ट नहीं हुआ, अभी बच्चा ही है, तो कुछ नहीं बोलेगी जहाँ तक मेरा वो है। हाँ, कुछ नहीं यार, हो जाएगा फ्रेंडशिप इनका, हो जाएगा, कोई बात नहीं। और गाइस, दिखाते हैं जो अभी तक एक दूसरे के दुश्मन थे और अब देखिए क्या हो गया। देखिए, दोनों एक ही साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा था ना, मतलब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं खेलते हुए। एक बार वो उसे दौड़ा रही है और एक बार वो उसे, और वो जो सामने जा रही है लेडी है, उन्हीं का डॉग है, मतलब पालतू ही इनके साथ खेत में आया था। और गाइस, ये जो सुरंग है, मतलब ये सब बच्चे कह रहे हैं इसका एक मतलब एंट्री यहाँ पे और वो इसका एंडिंग वो सामने जो बगीचा दिख रहा है वहाँ पे है वो। और ये मतलब पक्का कह रहा हूँ ये स्याही का ही है, स्याही का ही सुरंग है। बिकॉज देखिए, मतलब खेत के उस पार नदी है, तो ये सब बालू वाली मिट्टी है। और देखिए इससे पूरी मिट्टी, मतलब एक ही दिन की बात है ये, मैं अभी दो दिन पहले यहाँ पे जब आया था और तब फिर मैंने देखा था यहाँ पे कोई भी सुरंग नहीं था, बट अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा वो हो गया है। तो अब शाम हो रहा है और आपको दिख रहा होगा वीडियो की क्वालिटी भी गिरने लगी होगी। तो फिर अभी देखते हैं, अगर और कहीं चलना होगा खेत की तरफ तो चलेंगे, ना तो फिर घर की ओर चलेंगे। और गाइस, मैं आया था पर्सनली एक काम के लिए, मुझे यूट्यूब के लिए मतलब चैनल के लोगों के लिए एक फ़ोटो क्लिक करना था, तो वो मैंने कर लिया। फिर मैं ऐसे ही टहलते हुए आ रहा था तो एक बैग से मेरी नज़र पड़ी इस होल पे, तब मैंने देखा कि ये, तो फिर ये जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि ये पार्क्यूपाइन का स्याही का ये मतलब वो सुरंग है। और शाम हो गया और देख सकते हैं शाम का कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, दिखाते हैं आपको यहाँ का सिनेमैटिक्स। और गाइस, ब्लॉग मतलब ज़्यादा आज का बड़ा तो नहीं बन पाया, बिकॉज आते आते शाम हो गया और वीडियो की क्वालिटी भी गिरने लगी है। प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल पे लाइक करके, चैनल को लाइक करके, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और मुझे थैंक यू, और एक बात और गाइस, 100 सब्सक्राइबर करवाने के लिए थैंक यू, मेरे जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर के लिए 100 के मतलब एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और तू क्यों बंदर जैसा शक्ल बना रहा है भाई। और गाइस, मतलब ब्लॉग की एंडिंग भी करते हैं,
और देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी थोड़ा शाम होते ही गिरने लगती है। तो व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करके वीडियो पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान करिएगा। बाय।